हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीरामल फार्मा शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। पीरामल फार्मा के शेयर के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि थर्सडे को स्टॉक का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है ट्रेडिंग सेशन के बाद डिस्कशन करेंगे इवनिंग में, जो कैसा रिजल्ट है और आगे का हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। अभी के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली आपको देखा था मंथली चार्ट के ऊपर। अगर वापस से हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा लिस्टिंग के बाद से ही कंटिन्यूस एक वर्टिकली फॉल देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस थ्री मंथ से हम लोगों को कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा फॉल ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद कंटिन्यूस प्रीवियस थ्री मंथ से एक पुलबैक भी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो अब स्टॉक में वापस से जो है यहाँ पे सेलर स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा 100 के लेवल पे स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, राइट्स इशू होने वाला है, दैट टू की डिस्काउंट पे हो रहा है, आपको 23% के डिस्काउंट पे हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस अभी हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर अभी तक आप लोगों ने पोजीशन को नहीं लिया है तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि कैसे रिजल्ट के बाद मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करता है, साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में राइट्स इशू भी ओपन होने वाले हैं, तो उसके ऊपर मार्केट का क्या रिएक्शन होता है। इन सभी के बाद ही जो है अगर हम लोगों को एक अच्छा लेवल मिलता है पुल बैक के बाद, तभी हम लोग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। करेंटली देखेंगे तो स्टॉक 100 के लेवल के ऊपर जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले जो है फरवरी मंथ में भी स्टॉक 100 के लेवल के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट उसके बाद अगेन एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिला। वापस से स्टॉक जो है यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड जरूर मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, बट 100 to 105.6 के रेंज में वापस से स्टॉक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर यहाँ पे रिजल्ट आपको स्ट्रीट के अकॉर्डिंग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट से पहले एक बड़ा ना तेजी ना हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, इसलिए अभी एंटिसिपेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है जो मार्केट यहाँ पे किस साइड मोमेंटम करेगा। मार्केट के पास दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो 120 के लेवल तक जो है स्टॉक जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 120-125 के लेवल पे ही है। डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन करता है तो वापस से स्टॉक जो है आपको 85-90 के लेवल तक जा सकता है, तो बेटर है यहाँ पे वेट कीजिए। इस पूरे वीक हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि थर्सडे के सेशन में यानी कल के सेशन में रिजल्ट है, और रिजल्ट के बाद हम लोग फ्राइडे का भी वेट करेंगे, फ्राइडे क्लोजिंग का। उसके बाद ही हम लोग जो है यहाँ पे कंक्लूज देख सकते हैं जो स्टॉक में यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है इस प्रीवियस स्विंग तक 80-85 के लेवल तक। उसके बाद अगर वापस से इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को वापस से एक बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश पोजिशन के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।